वेलकम बैक फ्रेंड्स, साईं एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके की सीरीज़ में हम दूसरी स्टेट राजस्थान आप तक लेकर के आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू व्हाट्सएप ग्रुप टू स्टे कनेक्ट विद यू ऑल। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, या फिर आप हमें नंबर अपना मेल भी कर सकते हैं। एक मेल करिए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप नाम से सब्जेक्ट डाल दीजिए और मेल कर दीजिए saieducation1391@gmail.com पर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज दैट विल हेल्प यू लर्न स्टैटिक जीके इन स्टेट वाइज मैनर। टुडे वी आर डिस्कसिंग इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। गुजरात के ऊपर हम एक वीडियो आपको पहले ही दे चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम राजस्थान की बात करेंगे। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे वो बैंक पीओ लेवल का हो या फिर क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम हो, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो अप्रोच कर रहा है आपको, उसमें भी स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ज़रूर आते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैटर हमने आपसे हमने पेश किया है, उसके लिए रेफरेंस जो हमने लिया है वो लिया है राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट www.rajasthan.gov.in। राजस्थान एट अ ग्लैंस, एक बार फटाफट राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। राजस्थान वॉज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। कैपिटल इसकी क्या है? जयपुर। चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट एज ऑफ 17 मार्च 2017, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज श्रीमती वसुंधरा राजे एंड गवर्नर श्री कल्याण सिंह। डेजर्ट जो इम्पोर्टेंट है, थार डेजर्ट, दिस इज वर्ल्ड्स 17th लार्जेस्ट डेजर्ट। जो रेगिस्तान है वो थार डेजर्ट है और ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। चीफ जस्टिस जो हैं जयपुर हाई कोर्ट के, कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। तो ये राजस्थान की क्विक फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद हम इन बात शुरू करते हैं राजस्थान की इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड डैम्स ऑफ राजस्थान। फर्स्ट जो है रिवर जो है इम्पॉर्टेंट राजस्थान की, वो है चंबल रिवर, और इस पर जो डैम बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, बानस रिवर, बिसलपुर डैम। बानस रिवर हमने गुजरात में भी देखी थी, बानस रिवर गुजरात और राजस्थान दोनों में फ्लो होती है। इसके बाद में नेक्स्ट रिवर जो है वो है लूनी रिवर, बैराज रिवर, साबरमती रिवर एंड नर्मदा रिवर। ये जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं राजस्थान की, ये हमने रिवर्स के बारे में बात करी है। इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ राजस्थान, अना सागर लेक, ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है और ये जो है आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल कैटेगरी की ये लेक है। अना सागर लेक कहाँ पर है? अजमेर में। धेबार लेक, इसको हम जय समंद लेक भी के नाम से भी जानते हैं धेबार लेक को। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल कैटेगरी की लेक है और एशिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी ये है। फतेह सागर लेक, थर्ड नंबर फतेह सागर लेक, ये भी उदयपुर में है और ये भी आर्टिफिशियल कैटेगरी की लेक है। मन सागर लेक जयपुर में आर्टिफिशियल। सांभर साल्ट लेक, सांभर साल्ट लेक, सांभर लेक टाउन में, सांभर लेक टाउन में, और इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ये है। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ ऑप्शन पर मैंने आपको लेक बताई, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सांभर साल्ट लेक। इसका क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, पुष्कर लेक अजमेर के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। मेजर एयरपोर्ट्स इन राजस्थान, कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं? पहला है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको हम उदयपुर एयरपोर्ट पहले बोलते थे, तो ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट जोधपुर के अंदर, जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में।
इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन राजस्थान, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से फेस्टिवल जो हैं राजस्थान में? तीज फेस्टिवल जयपुर, गंगौर फेस्टिवल जयपुर में, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, नागौर फेस्टिवल नागौर में, नागौर जगह है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, पुष्कर फेयर, पुष्कर यानी कि अजमेर में, ठीक है, पुष्कर अजमेर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर, कैमल फेस्टिवल बीकानेर, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर और एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर मैंने बात करी है। इसके बाद में निक नेम्स स्पेशल टाइटल्स ऑफ द सिटी, जो सिटी हैं राजस्थान की उनको कुछ निक नेम्स के बारे में या उनका कुछ स्पेशल नेम भी हैं। जैसे जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी या फिर सिटी ऑफ लेक्स। जैसे अभी हमने लेक्स कवर की तो वहां पर देखा उदयपुर के अंदर तीन चार लेक्स थी, तो उदयपुर को हम वाइट सिटी या फिर सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी या फिर सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ राजस्थान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ राजस्थान। इससे क्वेश्चन कई बारी पूछे जा चुके हैं, जैसे उमैद भवन पैलेस है 5th नंबर पर, ठीक है, 1st नंबर पर ज्योतिष यंत्रालय, इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बारे में क्वेश्चन, लास्ट में इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ राजस्थान। फर्स्ट है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है ज्योतिष यंत्रालय, ऑल्सो नोन एज जंतर मंतर, ये कहाँ पर है? जयपुर में। सेकेंड है हवा महल जयपुर के अंदर। थर्ड पार्ट टेम्पल्स ऑफ गलटा जयपुर। फोर्थ अंबर पैलेस जयपुर। 5th नंबर है उमैद भवन पैलेस। उमैद भवन पैलेस ये जोधपुर में है, इसकी लोकेशन जो है वो जोधपुर है। उमैद भवन पैलेस का क्वेश्चन लास्ट ईयर SBI क्लर्क 2016 में इसका क्वेश्चन आया था, वेयर उमैद भवन पैलेस इज सिचुएटेड, तो आंसर था, करेक्ट ऑप्शन था जोधपुर। 6th है लेक पैलेस उदयपुर, मानक चौक जैसलमेर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में अजमेर में। ये दुनिया में अकेला ब्रह्मा जी का मंदिर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में। इंपॉर्टेंट प्लांट्स इन राजस्थान, कौन कौन से प्लांट्स हैं? थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इंपॉर्टेंट राजस्थान के यहाँ पर मैंने 7 प्लांट्स डिस्कस किए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। पहला है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, ये किस कैटेगरी का है? थर्मल कैटेगरी का है, सूरतगढ़ में है और फर्स्ट थर्मल प्लांट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पहला थर्मल प्लांट ये है, ठीक है, सूरतगढ़। इसके बाद में सेकंड है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये भी थर्मल कैटेगरी का थर्मल टाइप का पावर प्लांट है, बारन डिस्ट्रिक्ट में है और कोल फायर्ड पावर प्लांट ये है। राजस्थान सोलर पावर प्लांट, ये सोलर कैटेगरी का है, जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है राजस्थान में, कौन सा प्लांट? राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट के नाम से ये प्लांट है। धीरू भाई अंबानी सोलर प्लांट, ये भी सोलर कैटेगरी का है और ये पोखरण इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, पोखरण का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, तो पोखरण में ही जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ये धीरू भाई अंबानी सोलर प्लांट है। और इसको इसका जो रिमार्क है, इसका जो स्पेशल पॉइंट मैंने मेंशन करा है वो ये है कि दिस प्लांट वॉज बिल्ट बाई रिलायंस पावर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 5th नंबर पर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये न्यूक्लियर टाइप का प्लांट है और रावत भट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में ये सिचुएटेड है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाइप का प्लांट है और कोटा में है, ये बिल्ट ऑन चंबल रिवर, इसको चंबल रिवर पर बनाया गया है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाइप का पावर प्लांट है और इसका नाम है जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये रिवर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि ऑन विच रिवर जवाहर पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट, ठीक है। माही बजाज सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, माही बजाज सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये
किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है और ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और दिस प्लांट माही बजाज सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन माही रिवर। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्लांट्स की बात मैंने यहाँ पर करी है। ये प्लांट्स आप ज़रूर मेमोराइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए किसी डायरी वगैरह में। इसके बाद में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी स्टेट की इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। सेकंड है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली मतलब कई बारी पूछा जा चुका है। थर्ड है कोयला देव नेशनल पार्क, ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जो कोयला देव नेशनल पार्क है इसको हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं और ये भरतपुर में अलवर में है। कोयला देव नेशनल पार्क इसको हम भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क ये जैसलमेर में है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। और दर्रा नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क जो है ये कोटा में है। इसमें से जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको वो है सेकेंड और थर्ड। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन इन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर डिस्ट्रिक्ट में और कोयला देव नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी भरतपुर अलवर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिपीटेडली कई बारी, 3 से 4 बार मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि वेयर सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, वेयर कोयला देव नेशनल पार्क इज लोकेटेड, इस टाइप से। तो इनको आप थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। इसके बाद में है कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से, राजस्थान स्टेट से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या आप कभी कभी यहाँ इससे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक मिनिस्टर का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, या फिर पूछ लेता है कि इनकी मिनिस्ट्री क्या है, ये किस मिनिस्ट्री में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनको आप ज़रूर जानते होंगे, बहुत ही फेमस, इन्होंने मेडल वगैरह भी जीता था, ये निशानेबाज थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये जयपुर रूरल लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री इनको नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में बनाया गया है। तो पहले हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जयपुर रूरल। इसके बाद में सेकंड है विजय गोयल साहब, ये राज्यसभा एमपी हैं, अद्भुत किस्म के व्यक्ति हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं और इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है सी आर चौधरी, सी आर चौधरी जो हैं ये नागौर लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं। नागौर लोकसभा राजस्थान की है और कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में इनको ये मिनिस्ट्री इनको दी गई है, इनको मंत्री केंद्र सरकार में बनाया गया है, सी आर चौधरी। इसके बाद में नेक्स्ट नाम फोर्थ नंबर पर है श्री पी पी चौधरी का। पी पी चौधरी पाली लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं और इनको लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकी मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई है। लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आखिरी नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल का। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये बीकानेर लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, राजस्थान की बीकानेर लोकसभा से, और इनको फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि ये भी राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें मिला है, राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इन्हें दी गई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नंबर हमें दीजिए या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं @saieducation1391@gmail.com पर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। धन्यवाद।